नमस्कार। ये वीडियो में हम जो है फेल मार्क्स के ऑप्शन में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपने एक रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करने के बाद अगर जो है आप यहाँ से ये ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल कर पाएंगे। सो हम रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड सेक्शन के अंदर दो तरीके से मार्क्स फिल कर सकते हैं, एक जो है फेल मार्क्स ऑप्शन के अंदर और दूसरा जो है बल्क फेल मार्क्स के ऑप्शन के अंदर। सो अगर हमको मार्क्स फिल करना है तो सबसे पहले हम जो है फेल मार्क्स के ऑप्शन के बारे में देखेंगे। सो मैं यहाँ पे फेल मार्क्स ऑप्शन पे जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दिख जाएगा और जो है जो भी ये टेम्पलेट के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स के लिए हमने ये टेम्पलेट क्रिएट किया है वो सभी स्टैंडर्ड्स के नाम यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे और साथ साथ में वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सभी सब्जेक्ट्स के नाम मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। सो यहाँ पे जो है मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने तो मैं सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। फिर जो है मैं यहाँ पे क्लासरूम सेलेक्ट करूंगा, क्लासरूम लाइक दिस सेक्शन सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं यहाँ पे वो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वो पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब एग्जाम्स के मार्क्स यहाँ पे आप फिल कर पाओगे। यहाँ पे आपको मैन्युअली मार्क्स फिल करने रहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम है फॉर्मेटिव, ओरल और रिटन एग्जाम्स। सो यहाँ पे जो है आप हर एक स्टूडेंट का मैन्युअली मार्क्स फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको बताए मतलब देख पा रहे हो कि ये जो है ऑप्शन है इसके अंदर स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन से वर्क करता है। तो अगर आपने गलती से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर दिए तो ये मार्क्स चेंजेस हो जाएंगे। सो ये जब भी आप मार्क्स मैन्युअली फिल करते हो तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मार्क्स चेंज ना हो जाए, स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन से जो है इसके मार्क्स चेंज ना हो जाए। ओके, अब उसके बाद जो कि अगर किसी स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर एग्जाम में अगर वो एब्सेंट है तो हमें उसका ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो मैं उसका ब्लैंक छोड़ दूंगा तो ये रिजल्ट सेक्शन में जब भी हम प्रिंट करेंगे तब वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा कि ये स्टूडेंट एब्सेंट था, इसके लिए इसके मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं किए और उसका वहाँ पे जो है एब्सेंट डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से जो है आप मार्क्स फिल करके फिर आप यहाँ पे अपडेट मार्क्स पर क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपने मार्क्स फिल कर लिए। सो इसी तरीके से जो है हम बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए मैनुअली मार्क्स एंटर कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बल्क फिल मार्क्स का। सो हम बल्क फिल मार्क्स जाएंगे। यहाँ पे बल्क फिल मार्क्स जाने के बाद हम जो है टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर मतलब ये मार्क्स में फिल करना है तो मैं वो टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, मैं क्लासरूम सेलेक्ट करूंगा और मुझे कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करना है मैं वो सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो है मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ रोल नंबर या नेम वाइज और उसका मैं चाहे तो प्रिंट निकाल सकता हूँ, पीडीएफ निकाल सकता हूँ और एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे सभी स्टूडेंट्स का एक्सेल में मार्क्स फिल करना है तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा, मैं वो एक्सेल फाइल ओपन करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा उसके बाद जो है मैं सभी स्टूडेंट्स के एक साथ जो है मार्क्स फिल कर सकता हूँ। तो मतलब उसी तरीके से मतलब जो है यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है बल्क फिल मार्क्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका मैं मार्क्स यहाँ से अपलोड कर दूंगा एग्जाम वाइज और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उस फाइल को सेव करके यहाँ से वही सेम फाइल जिसपे मैंने मार्क्स अपलोड किए हैं वही सेम फाइल मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। सो इस तरीके से जो है आप आपके स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स एक्सेल और या तो इंडिविजुअली मैनुअली आप यहाँ से फिल कर सकते हैं।